नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण ठाकुर आपके पाठ्यक्रम कोड 507 की छठी इकाई से शिक्षकों के वृत्तिक विकास विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। शिक्षकों का वृत्तिक विकास आज की चर्चा का विषय है और शिक्षार्थियों, शिक्षकों के वृत्तिक विकास की अवधारणा को हम समझने की चेष्टा करें। यह वृत्ति, जिसे अंग्रेजी में प्रोफेशन कहा जाता है, और वृत्तिक विकास को हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट कह सकते हैं, जो इसका पर्याय है। तो वृत्तिक विकास है क्या? प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स क्या है? तो हम सबसे पहले यह देखें कि शिक्षण की जो वृत्ति है, इसमें क्या क्या चीज़ें अपेक्षित है, एक शिक्षक से हमारी क्या क्या अपेक्षा होती है। कि वह अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाए, जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है, उसका संचालन बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से करे, उसकी योजना बनाए, अच्छी रणनीति तय करे, कक्षा का प्रबंधन बेहतरीन तरीके से करे, विद्यालय का प्रबंधन भी उत्तम कोटि का हो, उसमें कुशलता प्राप्त हो, अपने प्रोफेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो छोटी से छोटी बातें हैं, बड़ी से बड़ी बातें हैं, उन सब की समझ उनमें हो, वृत्तिक समझ जिसे हम कहते हैं, उसका अगर उनके पास में बढ़िया ज्ञान है, तो उसका समुचित प्रयोग वो अपने विषय से संबंधित और अपने वृत्ति को और अधिक सफल बनाने में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक को निरंतर, क्योंकि अध्यापन कार्य ही करना है, विषय से संबंधित शिक्षण कार्य करना है, और आज हम सब जानते हैं कि ज्ञान कोई स्थितिज वस्तु नहीं है कि एक ही जगह स्थित है, नित प्रतिदिन, बल्कि यूं कहें कि मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड ज्ञान के कोश में निरंतर वृद्धि होती रहती है। पुराने ज्ञान में कई बार कुछ चीज़ों को हटाया जाता है, नई चीज़ों को जोड़ा जाता है, यानी कि ज्ञान का निरंतर परिमार्जन होते रहता है। तो शिक्षकों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे अपने ज्ञान का बदलते समय के हिसाब से, नित आने वाले समय में समयानुसार नवीनीकरण करें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वृत्ति की अपनी अपनी एक विशिष्टता होती है, हर प्रोफेशन की अपनी एक स्पेसिफिसिटी होती है, कुछ खासियत होती है, और उससे रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ होते हैं, वैल्यू सिस्टम होता है, कुछ मूल्य होते हैं। तो यह भी अपेक्षा होती है शिक्षकों से कि वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपनी वृत्ति से संबंधित मूल्यों की पहचान करें, उन मूल्यों को अपने व्यवहार में अपनाएं, उनका वाहक बने, और स्वाध्याय के माध्यम से या फिर अध्ययन और ज्ञानार्जन के विभिन्न साधनों के माध्यम से, कई बार अपने सहकर्मियों से, अपने साथियों से विमर्श करके, चर्चा करके, अलग अलग माध्यम से निरंतर अपने कार्य को परिमार्जित करें। यही वृत्तिक विकास की प्रक्रिया है। यह एक दरअसल व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें यह अपेक्षा होती है कि एक बार जब शिक्षक शिक्षण के पेशे में आ जाता है, पहली बात तो उसने कोई ना कोई शिक्षण का पाठ्यक्रम किया है, बीएड होता है या डीएड होता है, या और कोई अलग अलग प्रकार के ऐसे पाठ्यक्रम होते हैं जिसे पढ़ करके वह शिक्षक बनता है, लेकिन उतना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि निरंतर विद्यालयी परिस्थितियां, निरंतर शैक्षिक परिस्थितियां बदलती रहती है। तो उन बदलती परिस्थितियों के साथ अपने को भी निरंतर समायोजित करने के लिए यह आवश्यक है कि आने वाले बदलाव के साथ हम अपने में भी, अपने व्यक्तित्व में भी, अपने ज्ञान में, अपने कौशल में, अपनी दक्षता में, अपनी क्षमताओं में बदलाव लाएं, जो कि अपेक्षित हैं। यह आवश्यकता, इसकी चर्चा अभी अभी हमने की, कि दरअसल वृत्तिक विकास की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि सामाजिक परिस्थितियां बदलती है, शैक्षिक परिस्थितियां बदलती है, समाज की आवश्यकताओं में निरंतर बदलाव होते हैं। मैं उदाहरण की बात अगर आप करें, तो आप देखेंगे कि पहले जहां की व्याख्यान मोड में ही आते थे शिक्षक, कक्षा में आए, 30-35 मिनट 40 मिनट तक व्याख्यान दिया और चले गए, और अध्यापन कार्य हो गया, बच्चों से अपेक्षा है
कि वे बस रट लेंगे जो भी शिक्षक ने पढ़ाया या नोट्स दे दिया, उन नोट्स को बच्चे यथावत लिख लेंगे और पुनः परीक्षा में उन्हें पूछा जाएगा तो वो उसी तरह से उत्तर दे देंगे। यह अपेक्षा पहले होती थी, परंतु अभी ज्ञान के स्रोतों में भी एक तरह से विस्फोट हुआ है, बहुत अधिक ज्ञान का सृजन हो रहा है। अब जैसे ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्कूल्स में कंप्यूटर आ गए हैं, अब अगर एक शिक्षक जो पुरानी पद्धति पर अभी भी चल रहा है उसे कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो हम पाते हैं कि आजकल बच्चे जो हमारे हैं, हमारे छात्र जो हैं, वो हमसे अधिक ICT और ये जो टेक्निकल टूल्स हैं, जो गैजेट्स हैं, उसके प्रयोग में दक्ष हो गए हैं। और अगर शिक्षक इससे दूर रहेंगे, इसके ज्ञान से दूर रहेंगे, कंप्यूटर के ज्ञान से दूर रहेंगे, ICT के नॉलेज उनमें नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे और बच्चों के साथ भी समायोजन करने में उनको कठिनाई होने लगेगी। कई बार उनकी कक्षागत परिस्थितियों में वे अपने आप को भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक आने वाले बदलाव के साथ, निरंतर होने वाले बदलाव के साथ, स्वयं में भी कुछ अपेक्षित परिवर्तन लाएं। एक और बात है कि वृत्तिक विकास पर हम चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि अपने देश में या सामान्यतया भी देखें तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जो अभी तक बने हैं, बनाए गए हैं, उसमें ज़्यादातर बल पूर्व सेवा, पूर्व रोजगार, यानी कि शिक्षण की वृत्ति में आने से पहले जिन डिग्रीज की ज़रूरत होती है, जिस जैसे BEd की बात की या DEd की बात की, इस पर तो जोर दिया गया, पर अभी भी इन सर्विस टीचर्स को, जो शिक्षक शिक्षण की वृत्ति में आ गए हैं अब तक, अब की बात नहीं कर रहे, अब तो हम आप इस जगह बैठ करके एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आया है और उसके माध्यम से इन सर्विस टीचर एजुकेशन की इस पद्धति से हम सब गुजर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह रहा है कि सुव्यवस्थित नहीं हो पाई थी यह प्रक्रिया सेवारत अध्यापकों के लिए। हम यह भी पाते हैं कि शिक्षक शिक्षण में आ तो जाते हैं, विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, पर विद्यालय किसी द्वीप पर या किसी टापू पर कार्य नहीं कर रहा होता, उसे समाज में कार्य करना पड़ता है और उसे शिक्षा तंत्र की अलग अलग संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है। तो ऐसे में जो कोऑर्डिनेशन, जिस समन्वय की आवश्यकता पड़ती है विद्यालय को, विद्यालयी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अब मसलन एक शिक्षक है, विद्यालय में अध्यापन कर रहा है, पर उसे मिड डे मील, जो मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था है, उसके भी संचालन का दायित्व उस पर है, उसके संसाधन कई अन्य से किसी अन्य जगह से आते हैं, अब उसमें समन्वय, उन लोगों के साथ शिक्षक को समन्वय करना है। जो BRC होते हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर या क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होते हैं, उनके जो लोग होते हैं उनसे भी उन्हें समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब के समन्वयन के बारे में तो शिक्षक ने BEd या DEd करते वक्त में बहुत अधिक जाना नहीं, बहुत अधिक पढ़ा नहीं, और ख़ास करके जो व्यावहारिक दिक्कतें आनी शुरू होती है वह तो शिक्षक कभी भी शिक्षा संबंधी पुस्तकों में नहीं पा सकता। तो इस वृत्ति में आने के बाद ही इस वृत्ति से संबंधित जो व्यावहारिक कठिनाइयां आती है, अन्य संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों से जो समन्वयन की आवश्यकता होती है, उसकी कमी पाई जाती है। तो यह जो वृत्तिक विकास की प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसकी परिकल्पना की जाती है, वह इसलिए कि विभिन्न सांगठनिक संस्थानों में समन्वय का अभाव है, शिक्षक कम से कम इन चीज़ों के बारे में जाने और उस समन्वय को बढ़ाने में खुद की भूमिका जो उनकी होती है उसको समझकर निभाएं। इसके अतिरिक्त कई बार हम देखते हैं कि एक शिक्षक जब शिक्षण की वृत्ति में आता है तो कई बार उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियाँ, कई बार उसके सहकर्मियों की वजह से या विद्यालय के वातावरण की वजह से जो उसके अंदर का उत्साह होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कई कारण हो सकते हैं, हम यहाँ कारण की गहराइयों में नहीं जाएंगे, आप सभी शिक्षकगण हैं और आप सभी समझ सकते हैं कि हम सब जब अपने विद्यालयी परिवेश में हताशा के शिकार होते हैं, निराश होते हैं, तो वो कौन कौन से कारण हैं। कई कारण हैं, कई बार विद्यालय का वातावरण, कई बार हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें, हमें उपयुक्त संसाधन नहीं मिल पाते, आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती, उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता, कई चीज़ें होती हैं। विद्यालय में बच्चे
जैसा हम कल्पना करके जाते हैं कि बड़े ही उत्साही होंगे, वो नहीं हो पाते। उनके उनके माता पिता के जो शिक्षा का स्तर है वो हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा होता। तो ऐसे में शिक्षकों को अत्यधिक ऊर्जा और अत्यधिक उत्साह की ज़रूरत होती है। तो समय समय पर अगर वृत्तिक विकास से संबंधित कुछ कार्यक्रम आयोजित हों तो शिक्षक भी थोड़े से रिफ्रेश्ड महसूस करेंगे, थोड़े से उनका थोड़ा उत्साह वर्धन होगा, जो उनकी वृत्ति से, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें वो महसूस करेंगे कि नहीं, हम कुछ बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं और बेहतर करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त हमने जैसी चर्चा की है कि नित्य नए शैक्षिक उपागम आते रहते हैं, शिक्षण की विधियों में बदलाव आते हैं, कई सारे शिक्षण के सिद्धांत जो प्राचीन हो गए, पुराने पड़ गए, उनके स्थान पर नए शिक्षण सिद्धांतों ने अपना स्थान ग्रहण किया है और उन सिद्धांतों के आधार पर नए नए उपागमों ने अपनी जगह बनाई है पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो उन शैक्षिक उपागमों से परिचित होने के लिए व उन उपागमों के सफल क्रियान्वयन के लिए अनुकूल दक्षता, कॉम्पिटेंसी, एक्सपर्टीज प्राप्त करने के लिए भी वृत्तिक विकास की आवश्यकता होती है। दरअसल इन सब चीज़ों से शिक्षकों में एक क्वालिटेटिव एनरिचमेंट आता है, आ सकता है, गुणात्मक संवर्धन आना चाहिए, यह आवश्यक भी है। नहीं तो अगर गुणात्मक संवर्धन शिक्षकों में नहीं आए तो वो भी फिर धीरे धीरे हताशा में चले जाएंगे, अपने कार्य में समुचित अपना भरपूर योगदान नहीं दे पाएंगे और कुल मिलाकर के शिक्षा की जिन समस्याओं के बारे में हम यत्र तत्र सर्वत्र चर्चा करते रहते हैं उन समस्याओं को बढ़ाने में ही कहीं ना कहीं वे अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उनके गुणात्मक संवर्धन के लिए भी वृत्तिक विकास की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में नए नए आयाम जुड़ते चले जाते हैं। बहुत पहले कुछ सीमित विषय होते थे, सीमित टॉपिक और सब टॉपिक्स होते थे, अब उन विषयों में पुस्तकों में भी हम पाते हैं और अन्य भी स्रोतों में हम पाते हैं कि विषय में काफ़ी वृद्धि हुई है, अलग अलग ज्ञानानुशासन में कई नई बातें जुड़ी है। तो हमने जो पढ़ाई की, हम जब विद्यालय में पढ़ते थे और अब जो विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पाठ्यक्रम में, पाठ्य वस्तु में, पाठ्य पुस्तकों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे में ज्ञान के क्षेत्र में जो नए आयाम जुड़े हैं उन आयामों से परिचित हुआ जाए, यह बहुत आवश्यक है और इसके लिए भी वृत्तिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि विज्ञान, तकनीकी व आर्थिक क्षेत्र में कई समस्याएं और चुनौतियों ने जन्म लिया है और हम उन सभी समस्याओं से, चुनौतियों से नित प्रतिदिन जूझते हैं, अपने व्यावहारिक जीवन में तो जूझते ही हैं। और वो जो बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, जब वो बड़े होंगे तो उन्हें भी इन समस्याओं का, इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो एक शिक्षक इस रूप में सक्षम तो हो कि बच्चों को इस रूप में तैयार कर पाए कि वो बच्चे आने वाले दिनों में जो ये सभी हमारी समस्याएं या चुनौतियां आएं उनका वो सामना धैर्य के साथ, दक्षता के साथ कर पाएं और सफल हों अपने उद्देश्यों में। हम यह भी पाते हैं आजकल कि संचार एवं सूचना क्रांति के परिणाम स्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई है। कई बार यह प्रतिस्पर्धा तो बहुत ही विकट रूप ले लेती है। आजकल आप देखते होंगे, आपने सुना होगा, साइंस ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड जैसे कई सारे भाषा संबंधी कई ओलंपियाड ऐसे भी हो गए हैं जिसमें प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त कई ऐसी चुनौतियां, कई ऐसे चैलेंजेस, कई ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जो कि ICT की देन है और इन सब में बच्चों को स्वस्थ तरीके से, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए, बच्चे उन प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित हो सके, इसके लिए बच्चों को हम तैयार करें, कैसे तैयार करें, क्या विधियां अपनाएं, क्या तौर तरीके अपनाएं, यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है और इसके लिए शिक्षकों को तैयार तो होना पड़ेगा। तो वृत्तिक विकास इसलिए भी आवश्यक है।
एक और पक्ष है शिक्षा की प्रक्रिया का, शैक्षिक प्रशासन और गुणात्मक शिक्षा, जो क्वालिटेटिव एजुकेशन हो और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, यह कैसे बेहतर से बेहतर हो, कैसे उसका विकास हो, इसके लिए भी शिक्षक अपने आप को संवर्धित करें, अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को, अपने कौशल को बढ़ाएं, विकसित करें। तो यह चीज़ें वृत्तिक विकास की प्रक्रिया के माध्यम से ही आ सकती है और इसलिए वृत्तिक विकास आवश्यक है। अब तक हमने शिक्षकों के वृत्तिक विकास की आवश्यकता की चर्चा की, अब हम यह देखते हैं कि वृत्तिक विकास के आयाम कौन कौन से हैं। साथियों, हम जानते हैं, थोड़े बहुत जितने आप सबके अनुभव होंगे, एक व्यक्ति के रूप में भी और एक शिक्षक के रूप में भी, अपने ज्ञान कौशल अनुभव को परिमार्जित करने के लिए सामान्यतया व्यापक अर्थ में दो विधाएं चलती हैं। एक तो यह है कि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान है जो समय समय पर विशेषज्ञों को बुलाकर, या कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जो सतत शिक्षा के माध्यम से वृत्तिक विकास का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। दूसरी पद्धति यह है, वृत्तिक विकास का दूसरा आयाम यह है कि वे शिक्षक स्वाध्याय के द्वारा, स्व अध्ययन के द्वारा, सहकर्मियों के साथ, जो साथी शिक्षक गण होते हैं उनके साथ विमर्श करके, और जिस समुदाय से वह नित प्रतिदिन अंतःक्रिया करते हैं उनके माध्यमों से अपने अनुभव को रिफाइन करते हैं, परिमार्जित करते हैं और एनरिच करते हैं, संवर्धित करते हैं। वृत्तिक विकास के प्रतिमानों की बात करें, हम मॉडल्स की बात करें, तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक तो फेस टू फेस मॉडल होता है, प्रत्यक्ष विधि होता है, जिसमें कि संस्थागत प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें शिक्षकों को उस संस्था में जाकर वो जो वृत्तिक विकास के, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं उनको अटेंड करना होता है, जिसमें कि व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, डेमोंस्ट्रेशन मेथड, ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा, प्रोजेक्ट मेथड इत्यादि के माध्यम से उनके वृत्तिक विकास की प्रक्रिया संचालित की जाती है। दूसरा एक मॉडल है, कैस्केड मॉडल बोलते हैं। कैस्केड मॉडल दो या तीन स्तरों में प्रशिक्षण देने का मॉडल है, जिसके माध्यम से पहले तो कुछ मुख्य विशेषज्ञों का प्रशिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है, और वे जो मुख्य विशेषज्ञ होते हैं वे सभी मास्टर ट्रेनर्स बनाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, जो हमारे अध्यापकों में से ही, शिक्षकों में से ही कुछ मास्टर ट्रेनर्स होते हैं, और फिर वे जो कुछ मास्टर ट्रेनर्स होते हैं वो एक बड़ी संख्या में शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं। तो इसमें एक यह बात होती है कि जो उच्च स्तरीय विशेषज्ञ जो सभी जगहों पर उपलब्ध नहीं हो पाते, उनकी अपनी समय की सीमाएं होती हैं या उनके मूवमेंट की, ट्रैवल करने की सीमाएं होती हैं, तो उसमें यह तरीका होता है कि लॉजिस्टिक्स के लेवल पर, व्यवस्थापन के स्तर पर, लार्ज स्केल पर, बृहद स्तर पर अध्यापकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया एक जगह ना होकर के पहले कुछ लोगों को प्रशिक्षण दे दिया जाए, फिर वे जो मुख्य विशेषज्ञ हैं वो मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन कर लें, और फिर वो मास्टर ट्रेनर्स अध्यापकों को प्रशिक्षित करें। यह कैस्केड मॉडल होता है। एक और मॉडल है, दूर शिक्षा प्रतिमान, जो डिस्टेंस एजुकेशन मॉडल होता है, जिसमें कि प्रिंट मीडिया पब्लिश करके, मुद्रित करके, छपा करके अध्ययन सामग्री को, या ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, वीडियो लेक्चर्स जो अभी आप लोग देख रहे हैं, हम कर पा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब पर या अन्य माध्यमों के द्वारा भी वृत्तिक विकास की प्रक्रिया चलाई जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्लान ऑफ एक्शन में शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण पर बहुत बल दिया गया, और हम देखते हैं, पाते हैं कि 1986 में NCERT ने PMOST, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर, जो विद्यालय शिक्षक थे, व्यापक स्तर पर उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया, 1986 में NCERT ने चलाया। एक और कार्यक्रम 1993-94 में NCERT ने स्पॉट, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स चलाया, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक के लिए, जिसके माध्यम से कि प्राथमिक शिक्षकों को MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपेक्षित शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त हम पाते हैं
कि डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत डाइट्स बने, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स स्थापित किए गए, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर स्थापित किए गए, जो सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया उसके अंतर्गत भी यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 20 दिन का एक वार्षिक प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए आवश्यक होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि दूर शिक्षा के माध्यम से भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई और उसके अंतर्गत इग्नो द्वारा बीएड का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। अब तो देश के कई विश्वविद्यालयों में दूर शिक्षा के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है वह NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा एक भारत सरकार ने भारतीय संसद में विशेष विधेयक लाकर के यह प्रावधान किया कि DLED NIOS द्वारा प्रारंभ किया गया, खास करके जो अभी तक अप्रशिक्षित अध्यापक गण थे आप सभी उसके अंग हैं, एक साथ लगभग 15 लाख या उसके आसपास की संख्या के जो अप्रशिक्षित शिक्षक रहे हैं अब तक उनको प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई और सफलतम क्रियान्वयन उसका हो रहा है NIOS के माध्यम से। तो यह तो एक संस्थागत आयाम था। अब जो दूसरा आयाम हमने जो चर्चा की कि समुदाय के साथ अंतःक्रिया करके भी शिक्षक अपने वृत्तिक विकास को कर सकते हैं। वृत्तिक विकास के कई पहलू हैं, वृत्तिक हमारे प्रोफेशन के, हमारे व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। तो उसमें समुदाय के साथ जब शिक्षक अंतःक्रिया करता है तो अपने ज्ञान और अनुभव को और अधिक समृद्ध करता है। जब वो समुदाय के लोगों के साथ में बातचीत करता है, कई ऐसी बातें हैं जो शिक्षक सहज बातचीत में सीखता है। मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन और परंपरागत शिक्षण विधियां समुदाय के बूढ़े बुजुर्ग लोगों के पास में होती है, जो अनौपचारिक चर्चा के माध्यम से अगर शिक्षक जुड़े समुदाय के लोगों के साथ तो कई बातें हम आप सब जानते हैं कि वो सीख सकता है। लोक कथाएँ, लोकगीत, संगीत, लोक कला के विभिन्न आयाम शिक्षण संसाधन के रूप में शिक्षक प्रयुक्त कर सकता है, बशर्ते कि वह समुदाय के साथ में सक्रिय अंतःक्रिया करे और कुछ निरंतर सीखता रहे। लोक शिल्प होते हैं जो समुदाय के लोग कर रहे होते हैं, पॉटरी का काम है, घड़ा बनाने का काम है। गांधी जी ने इस पर बल दिया था, 3H की बात कही थी, हेड, हैंड एंड हार्ट, इन तीनों के समन्वय की बात कही थी। तो यह सब समुदाय में शिक्षक सीख सकता है। समुदाय में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण प्रयोग कैसे किया जाए यह सीख सकता है शिक्षक। और साथ में हर समुदाय की कुछ वास्तविकता होती है, उनका यथार्थ होता है, उनके परिवेश की कुछ समस्याएं होती हैं। इन सब को भी शिक्षक समुदाय के साथ जब वो जुड़ेगा, बातचीत करेगा, तब वह जानेगा और वह पुस्तकीय सैद्धांतिक ज्ञान को छात्रों के वास्तविक जीवन और वास्तविक परिवेश के साथ जोड़कर जब बच्चों को सोचने के लिए, अपने समस्याओं के निराकरण के लिए प्रेरित करेगा तो वह ज्ञान अत्यंत सार्थक ज्ञान होता है। तो शिक्षकों का वृत्तिक विकास इस प्रकार हो कि वे बच्चों के आंतरिक संसार को कक्षा वातावरण एवं विद्यालय से बाहर की दुनिया के मध्य बेहतरीन समन्वय करके समृद्ध कर सके। शिक्षक का संबंध स्थानीय समुदाय से ऐसा हो कि शिक्षकों में सामाजिक व्यवहार कौशल, नेतृत्व एवं प्रबंधन क्षमता का विकास हो सके और उसके परिणाम स्वरूप समुदाय की, छात्रों के, अभिभावकों की विद्यालय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सके। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान और प्रौढ़ शिक्षा अभियान में शिक्षकों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जिससे कि स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ने का मौका मिले, उन्हें शिक्षित करने का मौका मिले और उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सजग करना आसान हो सके। मुझे लगता है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शिक्षक अपने वृत्तिक विकास के लिए जो प्रशिक्षण, जो संस्थागत प्रशिक्षण है वह तो वो उसमें भाग लें ही, लेकिन स्थानीय समुदाय के साथ वो जरूर जुड़े, स्थानीय समुदाय की आवश्यकता को समझें और उनके लिए पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक एवं मित्रतापूर्ण परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए अपना वृत्तिक विकास करें तो शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।